कभी कभी इत्तेफाक में पड़ने वाला है आकृति को जोरदार थप्पड़। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गुनगुन को अनुभव यहाँ पर रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, तो वहीं आकृति पूरे परिवार की औरतों को लेकर वहीं पहुंच जाती है। गुस्से में गुनगुन यहाँ से निकल लेती है रेस्टोरेंट में और अनुभव भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन मोबाइल जल्दी जल्दी में यहीं भूल जाता है और रिंग बजने पर वो आकृति के हाथ लग जाता है। देखने को मिलेगा कि वो उसे अनुभव लेने के लिए वापस आता है और यहाँ पर वो बहाना बनाकर निकल जाता है कि मैं उस किसी डेलीगेट के साथ में यहाँ पर आया था। तो दूसरे दिन यहाँ पर तेरहवीं होती है जहाँ पर आकृति और पूरा परिवार भी पहुँचता है और अनुभव भी पहुँचते हैं, जहाँ पर आकृति ये कह उसे थोड़ी सी नौटंकी करते नजर आती कि मैं भी हूँ, तुम्हारे जीजू भी है, तुम टेंशन मत लेना, लेकिन यूएस चली जाओ अपनी मम्मी के साथ, ये वो काफ़ी तमाशा तेरहवीं में भी करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ देखने को मिलेगा कि अब अनुभव और गुनगुन एक साथ रात गुजारते नजर आएंगे, जिसका नतीजा यही होगा कि गुनगुन को अनुभव ने पहले काफ़ी रोकने की कोशिश की और वो हमेशा अपने प्यार का इजहार भी कर चुका है, वो उसे ही अपनी पत्नी मानता है। तो इसी हक से अब गुनगुन पहुंचेगी और दिखाएगी अपनी शादी का सबूत और यहाँ पर देखने को मिलेगा गुनगुन यूएस जाने की जगह अपना पूरा सामान लेकर पूरी दुल्हन बनकर पहुंच जाती है, नई नवेली साड़ी वाड़ी पहन के संस्कारी बहू बनकर पहुंचेगी अनुभव के घर, जहाँ पर आकृति की होश उड़ा देती है और साफ कह देती है कि तुम क्यों, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम नहीं चाहते थे मैं यूएस जाऊँ, तो मैं अपने ससुराल आई हूँ, और सारा सामान लेकर पहुंच जाती है और आकृति की होश उड़ा देती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं, तो गुनगुन भी यहाँ पर आकृति उस पर हाथ उठाती गुनगुन पर, तो गुनगुन उसका हाथ थाम कर कहती है जब पहली बात कर रही हो तो दूसरी को बात नहीं करनी चाहिए, और तुम जानना चाहते थे कि मेरा पति कौन है, तो यही मेरा पति है, जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं। तो देखने को मिलने वाला है कि गुनगुन का हाथ पकड़कर वो घर से निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर तो भाई अनुभव उसे ही थप्पड़ मार देता है और यहाँ पर गुनगुन के सबूत उड़ा देंगे सबके होश। जो रोनी उसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर गुनगुन ही उसका खुलासा करते नजर आएगी कि अनुभव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, और यहाँ पर आकृति को अपर भड़कने वाला है अनुभव, देखने को मिलने वाला है काफ़ी कुछ तमाशा। तो फाइनली यूएस जाने का प्लान कैंसिल होगा और अब गुनगुन अपने ही पति के ऊपर हक जताते नजर आएगी और आकृति की बैंड बजा देगी।